शराब के नशे में तूने इतनी बार फोन किया कि आना ही पड़ा। इस वरवधु को आशीर्वाद देना मेरे बस की बात नहीं है। इसे जाने को कह दो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये कहाँ जा रही है? नशे में तूने इसकी माँ को टक्कर मार दी और शादी रुक गई। नाइस। बेटी जी, हुआ क्या था बताओ? लास्ट मिनट में जब मंगलसूत्र लेकर आ रहे थे तब टक्कर मार दी, पैर टूट गया। एक हफ्ता रेस्ट करने को कहा है। टक्कर मारने वाला वो इडियट कौन था? वो रहा। कब से फोन कर रही हूँ मैं, फोन क्यों नहीं उठा रही है? क्या हुआ? उस दिन नहीं गई थी इसलिए गिल्टी फील कर रही थी ना, वो भी नहीं आया था। तुझे किसने बताया? किसी और की बात मैं क्यों मानूंगी बता, विलास ने खुद बताया। ठीक है बाय। पापा। डोंट वरी बेटा। माँ कैसी है बेटी? पहले ठीक नहीं थी, अब ठीक ही है, बाद में कैसी होगी पता नहीं। पागल है ये। धीरे बोलिए। इतना जबरदस्त फ्रैक्चर हुआ है, एक्सीडेंट किसने किया? उसने। हे, यही है वो। तुम यहाँ कैसे? आप यहाँ कैसे सर? शादी में आया था। कितने महान हैं आप सर, वो लड़की आपको जिंदगी में एक बार मिली लेकिन उसकी शादी देखने आप इतने दूर चले आए। अरे मैं देखने नहीं, शादी करवाने आया हूँ। दूल्हा मेरा बेटा है। मैंने उसी दिन कहा था ना, लड़की मुझे पसंद आ गई है। सर विजिटिंग आज खत्म हो गए हैं, प्लीज सब लोग बाहर जाइए। इतना बड़ा घर किसका है यार? उसी लड़की का। और ये बुके? उसकी माँ के लिए। देकर आएगा क्या? सॉरी क्या कराऊंगा, माँ को या बेटी को? मैं अभी आया। मैं भी आऊं क्या? मैं वहां उनके साथ बैठकर शराब पीने जा रहा हूँ क्या? तुझे तो मैं ठीक है बॉस, ठीक है। ये यहाँ क्यों आया है? आंटी से मिलकर आता हूं सर। टक्कर मारकर फूलों का गुलदस्ता लेकर आ जाते हैं। तुम्हारे गांव में टक्कर मारने के बाद खाली हाथ आते? ड्राइविंग नहीं आती तो सीखनी चाहिए था ना, लेकिन लोगों पर गाड़ी चढ़ा दोगे क्या? मुझे तो लग रहा है तुम्हें जान से मार देना चाहिए था। मार देना चाहिए था? क्या आदमी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब हो जाएगा। हेलो आंटी। दीदी, एक्सीडेंट इसी ने किया था। ओह, ये फूल आपके लिए। लगता है सब बहुत अपसेट हैं। और नहीं तो क्या? क्या कर रहे हो तुम? सेटल हो गया हूँ आंटी, सेटल हो गया हूँ। बड़ी कार खरीदी है, आपकी तरह है। घर भी बनवा रहा हूँ आंटी, काफी बड़ा है, इतना ही बड़ा होगा। अच्छा, मार्बल भी लगवा रहा हूँ, ऊपर कारपेट डाला है। आंटी मेरा कार्ड काट लीजिए ना, ये देखिए, कुछ जरूरत पड़े तो। यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ आंटी? यहाँ
शादी में आया होगा। हाँ बिल्कुल, शादी में आया होगा तो मंडप में होना चाहिए। सड़क पर क्या कर रहा था? ट्रैफिक में अटक गया होगा ना। ट्रैफिक में टक्कर कैसे लग जाती है? वो जल्दी में रहा होगा ना। चाय पियेंगे आप? पागल, मैं तो कॉफी पीती हूँ ना। आंटी मेघा कहाँ है? वो नहीं है बेटा, अपनी बहन को पिक करने स्टेशन गई है। ओह ओके आंटी, ठीक है आंटी, चलता हूँ, थोड़ा काम है। ओके बाय, गेट वेल सून आंटी, बाय अंकल। क्या यार, शादी पोस्टपोन हो गई, ऐसा स्टेटस डाला तो 100 लाइक्स मिले हैं। आई हेट इट। सॉरी सर, मेरी वजह से शादी रुक गई। उसमें क्या है, कोई बात नहीं, सीरियस होने की जरूरत नहीं, आज नहीं तो कल सही। वैसे भी आजकल शादी के मुहूर्त की कमी नहीं है। हा? तुम तो ठीक हो ना, इंपॉर्टेंट ये है। वैसे भी ये टेंट, चेयर, खाना पीना अपने हिसाब से कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, पर मुझे एक छोटा सा डाउट है। बुलाने पर ना आते तो ये समझ लेते कि इस वक्त तुम बिजी होगे, पर तुम तो बिना बुलाए आ गए, इसे मैं क्या समझूं? खैर तुम रेस्ट कर लो, काफी थक गए होगे। मैं सही कह रहा हूं ना? गेट सम रेस्ट। सर ये बिन बुलाए आया आपको कैसे मालूम? वो मुझसे माफी तो मांग रहा है, लेकिन उसकी आंखों में गिल्ट नजर नहीं आ रहा। उसकी आंखें तो कुछ और ही ढूंढ रही हैं। पहले टेंशन में उनका फोन। क्या है भैया? ब्रो कहाँ चले गए थे ब्रो? कितनी बार कॉल करना पड़ेगा? पहले बताओ बात क्या है। तुम यहाँ से इतनी जल्दबाजी में इंडिया चले गए, तुम्हें पता भी है वो तुमसे मिलने वहाँ आई नहीं थी। अच्छा, आपसे किसने कहा? मैं किसी की सुनी सुनाई बात नहीं मानता, आशु ने खुद कहा मुझे। और आपने क्या कहा? मैंने कह दिया कि हम भी उस दिन मिलने नहीं आए थे, क्यों कुछ गलत कहा क्या? बहुत अच्छा किया भैया आपने, यही सही जवाब है। उस दिन तुम क्यों नहीं आए? उस दिन मैं बताऊं, तुम सेल्फिश हो, तुम्हें कार चाहिए, घर चाहिए, पैसा चाहिए, बस चले तो वही मरोगे। हाँ। भी यही तुम्हारी सोच है ना, इसलिए नहीं आए। वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर उस दिन आप क्यों नहीं आए? मैं बताऊं, बेसिकली तुम एक एस्केपिस्ट हो, हर चीज से भागती हो। उस लड़के से पीछा छुड़वाना था तो मुझे बॉयफ्रेंड बना लिया, फिर जब तुम्हारी माँ रिश्ते की बात कर रही थी तो तुम मेरे साथ मायामी भाग गई। तुम स्टैंड नहीं ले सकती, डरपोक हो, एस्केपिस्ट हो। गेट आउट। जो प्लेटफॉर्म टिकट खरीदता है वो यहाँ खड़ा रह सकता है। मैंने कुछ और सोचा था, यहाँ कुछ और ही हो रहा है, मुझे कुछ और समझा, वही जानने के लिए कॉल किया था। यही है क्या? दुख में भी हैंडसम है। बकवास बंद कर, चल। तो चाय पिलाओ। भाई उस लड़की को देखो, मस्त लग रही है। चाहो तो जाकर बात कर लो, मैं किसी से नहीं कहूंगी। आजकल इन लड़कों का कोई भरोसा नहीं, किसे भी देखकर सिटी मारते हैं। चुप कर। ए, चलना है क्या? मस्त दिख रही है ना? मुझे देखकर सीटी किसने मारी? सीटी मारी? भाई ये खुद को हीरो समझता है, सीटी मारी बोल रहा है। मुझे देखकर सीटी किसने मारी? ए, तुझे नहीं मारे। मुझे देखकर सीटी किसने मारी? ए, चलना क्या पका रहा है? जब बड़े बात करते हैं
तो बच्चों को बीच में नहीं पड़ना चाहिए। किसने मारी? तूने? तूने मारी? तूने मारी? तूने? तुम्हें देखकर नहीं मारी, लड़की को देख के मारी थी। इधर इधर। इस लड़की को? हाँ। मुझे बता, इसकी हाइट ज्यादा है या मेरी? तुम्हारी हाइट। ये ज्यादा गोरी है या मैं? आप भाई। मतलब मुझे देखकर सीटी मारी ना? सही कह रहा हूँ ना? लड़कों को चैन से जीने नहीं दोगे। आदमी आदमी को देखकर सीटी क्यों मारेगा भाई? क्या बोला तूने? आदमी आदमी को देखकर सीटी क्यों मारेगा भाई? देखो, बार बार एक ही बात नहीं समझाऊंगा, सब कोऑपरेट करके एक ही बार में समझ जाओ तो अच्छा होगा, ठीक है ना? क्यों रे, तू सीरियस है क्या? मैं फाइट सीन के बीच में कॉमेडी करूंगा क्या? इधर आ। अभी अभी तू कुछ बोल रहा था ना? कुछ क्या कह रहा था? कुछ नहीं बोला। अरे बोल ना। आती है क्या? बोला हाँ भाई, बोल बोला। हाँ कहाँ आना है? बोल बोल ना, कहाँ आना है? अरे बता कहाँ आना है, बोल। अगर गर्मी बढ़ रही है तो स्वेटर उतार दे, लड़कों पे लाइन मारना बंद कर।